अक्टूबर को भैया दूज का त्यौहार है और इसी त्यौहार के अवसर पर केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि इस दिन से ही महिलाओं के लिए बसों में फ्री सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। उनकी सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी कुछ केजरीवाल कहते हुए नजर आए। अपने इस भाषण में पहले उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगवाए, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस भैया दूज पर वो अपनी बहनों को एक तोहफा देंगे, एक बड़ा तोहफा देंगे, और ये तोहफा होगा बसों में उनकी फ्री सेवा। जी हाँ, देखा जाएगा कि भैया दूज के दिन से ही महिलाएं फ्री में बस में सफ़र कर पाएंगी। और ये भी कहा केजरीवाल ने कि पहले बस में मार्शल सिर्फ इवनिंग में काम किया करते थे, और अब उन्होंने कहा है कि हर एक बस में मार्शल तैनात किया जाएगा और 13,000 मार्शल दिल्ली की हर बसों में तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि पहले सिर्फ 3400 ही मार्शल थे जो इवनिंग के टाइम पर काम करते थे, बस में तैनात रहते थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन अब 13,000 मार्शल होंगे, ऐसा कहते हुए केजरीवाल नज़र आ रहे हैं। और क्या कुछ अपने भाषण में केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के ख्याल के लिए क्या कुछ कहते हुए नज़र आए हैं, सुनिए ज़रा इस वीडियो में। कल का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है। दिल्ली शायद पूरे देश में अकेला ऐसा शहर होगा जहां हर बस के अंदर उस बस में बैठी हुई महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से एक बस मार्शल को तैनात किया जाएगा। और शायद पूरी दुनिया में दिल्ली अकेला शहर होगा जहां एक ही दिन में इतने बड़े स्तर के ऊपर सारी बसों के अंदर एक साथ बस मार्शल तैनात कर दिए जाएंगे। कुछ वर्ष पहले इसकी शुरुआत की थी हम सब ने, दिल्ली में अपनी बसों में इवनिंग शिफ्ट में हम लोगों ने बस मार्शल्स की तैनाती की थी। 3400 के करीब बस मार्शल अभी बसों में काम कर रहे हैं। उन्हीं में से अभी आप लोगों ने देखा कि 15 लोगों ने जिन्होंने शानदार काम किया, जिन्होंने लोगों की मदद की, महिलाओं की सुरक्षा की, बीमार लोगों की बस में मदद की, उन सबको अभी आपके सामने सम्मानित किया गया। लेकिन कल से लगभग 13,000 बस मार्शल दिल्ली की बसों के अंदर तैनात किए जाएंगे। सीधे 3400 से बढ़ा के 13,000। SPN9 न्यूज से नाजमिन की रिपोर्ट।